औद्योगीकरण के फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं है। विकास के साथ ही विनाश में भी इसका कम योगदान नहीं है। प्रदूषण और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां उद्योग होगा वहां प्रदूषण तो होगा ही होगा। उद्योगों की स्थापना स्वयं में एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी देशों में उद्योग अर्थव्यवस्था के मूल आधार होते हैं। यह जीवन की सुख सुविधाओं, रहन सहन, शिक्षा चिकित्सा से सीधे जुड़े होते हैं। औद्योगिकरण से देशों को आत्मनिर्भरता मिलती है और भारत इसका अपवाद नहीं है। सन 1947 में आजाद देश ने इस दिशा में सोचा और अपने देश की क्रमबद्ध प्रगति के लिए चरणबद्ध पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से देश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। एक सर्वेक्षण के अनुसार 17 समूहों में विभाजित लगभग हजारों बड़े उद्योग और 31 लाख लघु एवं मध्यम उद्योग वर्तमान में देश में कार्यरत हैं। संसार में उद्योगों की प्रगति के साथ ही प्रदूषण की भी प्रगति हुई है, जो वास्तव में सामान्य प्रदूषण से भी भयावह एवं जानलेवा है। यह औद्योगिक क्रांति ही थी जिसने पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कारण अप्रत्याशित रूप से प्रदूषण बढ़ा है। कारखाने की चिमनियों से निकलने वाली जहरीली गैसों से प्रदूषण का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इन कारखानों में उपयोग किए जाने वाले पानी में मिले जहरीले रसायन भी हानिकारक होते हैं। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और तापीय प्रदूषण से जनहानि के खतरे बढ़ जाते हैं। आज सिर्फ भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में उद्योगों की संख्या लाखों में है और इसमें कार्यरत लोगों की संख्या करोड़ों में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य पर जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व में एक वर्ष में लगभग 3,27,00,000 औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1,46,000 व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो जाते हैं।